आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है जिन्हें बहुत ज्यादा नीड है हैंड वाइटनिंग के लिए, फीट वाइटनिंग के लिए एंड फेस वाइटनिंग के लिए। आज मैं आपको ऐसे 3 फॉर्मूला क्रीम्स बनाना सिखाऊंगी जो कि हैंड के लिए अलग होगा, फीट के लिए अलग होगा और फेस के लिए अलग होगा। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो आपने यूट्यूब पे कभी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। मैं अपने पैसों से ये सारा सामान लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत ही जबरदस्त, हर बंदा यूज कर सकता है इसको। सो गाइस, पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगी हैंड वाइटनिंग क्रीम। सो हैंड वाइटनिंग क्रीम को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट मैं यूज करूंगी उसमें मैं एक वाइटनिंग क्रीम लूंगी जो कि मेरे पास मौजूद है, वाइट सीक्रेट ब्यूटी क्रीम। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप देख लो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और ये येलोइश कलर की है। सो सेकेंड नंबर पे मैं यूज करूंगी इसके लिए बायोकॉस का सीरम। आप चाहें तो कोई और सीरम भी यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, स्किन वाइटनिंग सीरम आप वो यूज कर सकते हैं क्योंकि स्किन वाइटनिंग सीरम हैंड्स के लिए आपके कलर को फेयर करने में बहुत हद तक हेल्प करेगा। साथ में मैं इसके यूज करूंगी 2 वाइटनिंग कैप्सूल, जो स्किन वाइटनिंग कैप्सूल होती हैं वाइट कलर की, वो मैं यूज करूंगी। सो इसको बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले आप क्रीम निकाल लीजिए सारी, आप जो क्रीम का बॉक्स होगा कम्प्लीट उसे निकाल लीजिए और उसके अंदर कम्प्लीट एक वाइटनिंग सीरम एड कर दीजिए, बायोकॉस हो या कोई भी हो। उसके बाद आप इसके अंदर एड कर दीजिए 2 वाइटनिंग कैप्सूल और उसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसे उसी कंटेनर में रख दीजिए और रात में आप सोने से पहले हैंड को वॉश कीजिए और उसके बाद इसे अप्लाई करके सो जाइए। सुबह में आप अपने हैंड्स धोएंगे तो आपको 1 से 2 दिनों में इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप लोग आप ही को दुआएं देंगे। सेकेंडली आपको मैं ये बता दूं कि ये क्रीम फ्रिज में रखिएगा, अभी बहुत गर्मियां हैं। जब गर्मियां ना हो आप सर्दियों में भी इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको रूम टेम्परेचर रख सकते हैं। सो मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि ये क्रीम मिक्स अच्छे से नहीं होती है, मिक्सिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले आपने इसे अच्छे से ब्लेंड करके मिक्स करना है और प्लास्टिक का स्पून यूज किया करें क्योंकि वो ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप कोई फॉर्मूला क्रीम बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, तो इसीलिए आपने प्लास्टिक का स्पून यूज करना है। तो इसे अच्छे से निकाल लीजिएगा कंटेनर से ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट एक साथ मिक्स हो जाएं। तो मैं फिंगर की मदद से निकाल रही हूं ताकि हर इंग्रेडिएंट जो है वो मिक्स हो जाए। सो गाइस, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको जार में जो है वो शिफ्ट कर दूंगी ताकि ये इसी बॉक्स में आ जाए और इजीली आ जाएगी क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है सीरम, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। सो इसीलिए मैं इसको इसी कंटेनर में डाल दूंगी। अब इसके लगाने का तरीका मैंने आपको सिंपली बता दिया है। रात में हैंड वॉश करना है आपने और हैंड वॉश करने के बाद इसे अप्लाई कर लीजिए और अप्लाई करने के बाद आप सो जाइए। सर्दी हो या गर्मी आप दोनों टाइम पर यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिनके बहुत ज्यादा हैंड्स ब्लैक हैं उनके लिए बहुत सुपर डुपर है, इससे आपके जो हैंड्स की नकल्स वगैरह हैं वो भी साफ हो जाएंगे। मेरे जो हैंड्स थे वो बहुत ज्यादा डल हो गए थे, टैनिंग भी हो जाती है। सो गाइस, इसी वजह से मैं ये फॉर्मूला क्रीम यूज करती हूँ और काफी अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। सो अब बनाने वाले हैं हम फूट वाइटनिंग क्रीम। फूट वाइटनिंग क्रीम के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो मैं बता दूं आपको। यहाँ पर मैं एरिना गोल्ड क्रीम यूज कर रही हूँ जो कि फेस की क्रीम है। आपके पास हैंड्स की क्रीम मौजूद हो तो हैंड की भी यूज कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में इसकी हैंड क्रीम भी मौजूद है, सो आप वो यूज कर सकते हैं। सो मैं आपको इसको आधी क्वांटिटी में बनाकर दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इसे पूरी क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, यानी कम्प्लीट आप क्रीम से इसे तैयार कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लिया है एरिना गोल्ड क्रीम का। यहाँ हम बना रहे हैं फीट्स के लिए, तो फीट्स के लिए बहुत जरूरी है ग्लिसरीन का। बहुत से लोगों की एड़ियां फटी होती हैं तो ये ग्लिसरीन बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी स्किन को रिपेयर करने में, आपके पैरों को सॉफ्ट बनाने में, जहां से आपके पैर जो है वो बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं, सो उसको नरम मुलायम और सॉफ्ट बनाएगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूं डर्माकॉस का सीरम, भी आप ऐड कर सकते हैं। लैक्मी का सीरम है ये मेरे पास, पाकिस्तानी कंपनी है ये, नॉर्मल लोकल जो कंपनीज होती हैं सीरम बनाने वाली ये वो है। इसके बाद मैं इसको हाफ ऐड करूंगी क्योंकि मैंने 1 टेबल स्पून क्रीम ली, इसीलिए मैं हाफ इसको ऐड करूंगी और उसके बाद मैं ऐड करूंगी इसके अंदर क्लोबोवेट क्रीम। डर्मोवेट क्रीम हो या फिर बेडनोवेट क्रीम हो, वो आप वाइटनिंग क्रीम बिल्कुल यूज मत किया करें, वो आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, वो जस्ट आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए होती है। अगर आपकी स्किन जल वगैरह गई है तो डॉक्टर उसके लिए रिकमेंड करते हैं। क्लोबोवेट क्रीम भी मैं सिर्फ इतनी क्वांटिटी में यूज कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून के बराबर, कि अगर आपके हाथ या पैर पे दाग धब्बे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। हैंड्स की क्रीम में भी इसको ऐड कर सकते हैं।
अगर आपको दाग धब्बों की प्रॉब्लम है। अगर आपके फीट्स या हैंड्स पे दाग धब्बे नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लोशन ऐड किया है, ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है, आपके पास जो भी लोशन हो आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में मैंने स्किन व्हाइटनिंग कैप्सूल ऐड की है 1, क्योंकि मैंने इसको 1 टेबल स्पून के बराबर बनाया है। अब बारी आती है इसको मिक्स करने की, और इसको मिक्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि एरिना गोल्ड क्रीम थोड़ी सी, ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा ग्लिसरीन की तरह नहीं होती, उस तरीके से थी, तो इसको मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, जब तक अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे सो इसको अच्छे से मिक्सिंग नहीं होगी तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये मेरे पास एक छोटा सा कंटेनर है, मैं इसी में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने क्रीम पूरी नहीं बनाई है, आधी बनाई थी, तो मैं कंटेनर में इसको ऐड कर रही हूँ। और याद रखिए कि अभी गर्मियां हैं तो इसे भी आप रख दीजिएगा फ्रिज में, और उसके बाद आप इसे जब भी सोएं, सोने से पहले 5 मिनट पहले निकाल दिया करें, उसके बाद अप्लाई कर लिया करें। यहाँ पे मैं अपने फीट्स पे आपको अप्लाई करके बताती हूँ, पैर धोने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है। जरा सी क्वांटिटी में अप्लाई कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, नकल्स वगैरह पे भी लगा लिया करें, ये बहुत ज्यादा ब्लैक होते हैं तो इसके भी जो कलर है वो बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। स्पेशली ईद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को फायदा हो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो गाइस, फेस की क्रीम में बनाने से पहले बता दूं कि फॉर्मूला क्रीम है ये, बातें नहीं बनाइएगा क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में बहुत सारी बातें बनाने वाले हैं, फॉर्मूले खतरनाक होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो मैं आपको पहले से बता दूं कि यहाँ पर आप उल्टे सीधे कमेंट्स नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे हर्ट होता है। मैं इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, ऊपर से आप तंजिया बातें करते हैं, इसीलिए बुरा लगता है, तो नहीं कीजिएगा। आप सिर्फ हैंड एंड फीट के लिए क्लिक करके आए हैं तो बस यहाँ से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फेस की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है और उन लड़कियों के लिए है जो कि अभी तक घर में मौजूद हैं, 35-40 साल उनकी एज हो गई है, सिर्फ कलर ब्लैक होने की वजह से उनकी शादी नहीं हुई है। सो गाइस, इसीलिए उन लोगों के लिए बना रही हूँ, और बता दिया है मैंने आप लोगों के काम की ये वीडियो नहीं है जो लोग फॉर्मूले के खिलाफ हैं, तो ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरतमंद लड़कियां हैं या जरूरतमंद लड़के हैं जिनका कलर की वजह से जो है वो शादी नहीं होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि फेस का जो फॉर्मूला है 1 महीने से ज्यादा यूज नहीं कीजिएगा, 1 महीने में आपका कलर वाइटन हो जाता है, उसके बाद कोई भी फेयरनेस क्रीम यूज कर लिया करें, फेयर एंड लवली की टाइप की जो क्रीम्स होती हैं वो कलर गोरा नहीं करती लेकिन आपकी ब्यूटी को मेंटेन रखती हैं। फॉर्मूला क्रीम आपने इतना यूज करना है कि बस आपका कलर जब वाइट हो जाए तो आप इसको छोड़ दीजिए, ताकि आपकी जो स्किन है अगर आप बहुत ज्यादा लगाएंगे तो फिर आपको इसकी आदत हो जाएगी, इसीलिए फॉर्मूला क्रीम आपने उतना ही यूज करना है जितना आपका कलर वाइट हो जाए। सो गाइस, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मैं यूज करूंगी गोल्डन पर्ल क्रीम, ब्लैक मैजिक क्रीम, साथ में फाइजर ब्यूटी क्रीम। मैं आपको बता दूं ये सारी क्रीम्स और सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो ये फॉर्मूले भी आपको तैयार मिल जाएंगे स्क्रीन पे चल रहे नंबर के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीजें जिससे मैंने ली हैं सैलून से सब आपको मिल जाता है बना बनाया, और प्रोडक्ट भी आप बाय कर सकते हैं स्क्रीन पे चल रहे नंबर के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, सारी क्रीमों को पहले मैं खोल लूंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं पहले क्रीम्स को निकालूंगी ताकि मैं सारी क्रीम्स एक साथ अच्छे से निकाल लूं और उसको अच्छे से मिक्स करूं, क्योंकि क्रीम जो है बहुत मुश्किलों से मिक्स होती है सर्दियों में स्पेशली, तो जैसे ही सर्दियां आने वाली हों आप जो है वो हैंड्स की और फीट्स की जो क्रीम होगी उसे पहले से बनाकर रख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सर्दियों में बहुत देर से मिक्स होती है और आप इसे गर्म करके मिक्स नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, यहां पर मैं यूज करूंगी 3 सीरम जो कि ब्लैक मैजिक के ही सीरम है कंपनी के जिसके मैं क्रीम यूज कर रही हूं। सो पहले मैं इस क्रीम को निकाल लूंगी क्योंकि ये क्रीम बहुत सॉफ्ट सी होती है, तो पहले मैं रिव्यू कर चुकी हूँ इन क्रीम के, आई बटन पे क्लिक करके आप उनको वॉच कर सकते हो। सो गाइस, मैं पहले इन सारी क्रीम्स को निकाल लेती हूँ, उसके बाद सीरम्स को खोलूंगी और उसके बाद मैं 4 कैप्सूल इसके अंदर ऐड करूंगी, क्योंकि 4 कैप्सूल, क्योंकि 3 बॉक्स हैं क्रीम के तो 4 कैप्सूल जो हैं वो बहुत होंगी, और अगर एक बॉक्स होता है, अगर आप एक बॉक्स से फॉर्मूला क्रीम बना रहे हैं सीरम डालने के साथ, तो एक सीरम, एक क्रीम और एक कैप्सूल बहुत होती है। सो गाइस, मैं सारी कैप्सूल ऐड कर लूंगी इसके अंदर चारों, और इसके अंदर उसके बाद मैं सीरम ऐड करूंगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और ऑयली है तो याद रखिए कि ये क्रीम यूज मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और ड्राई है या कॉम्बिनेशन है तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली और एक्नी पॉन स्किन वालों के लिए ये नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन ये उन गर्ल्स के लिए है जिनकी अब तक शादी नहीं हुई है कलर की वजह से, क्योंकि अगर जिंदगी में उन्होंने अपने आप को कभी भी फेयर नहीं देखा, खूबसूरत नहीं देखा, जब वो आईने में देखते हैं खूबसूरत नहीं देखा, तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है। काफी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं
हैं कि हम बहुत ज्यादा ब्लैक हैं, कोई क्रीम बता दे, तो ये उन लोगों के लिए जो बहुत जरूरतमंद है, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश है खूबसूरत नजर आना। तो उन लोगों की बात कर रही हूँ, ऐसे कमेंट्स ना कीजिएगा, मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर किसी और ने रिक्वेस्ट की है और आपको पहले मेंशन किया जा रहा है कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो प्लीज इस बात को जरूर नोट किया करें। और ये ना समझा करें कि हम पैसों के लिए या काम कर रहे हैं या कंपनी ने हमें प्रोमोट करवाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कम हमें मेहनत का मुआवजा मिलता है जितनी हम मेहनत करते हैं। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर किया करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, ये क्रीम बिल्कुल तैयार है। आपने सारी चीजें इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर लेनी है और सारे कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर दीजिए, जो कंटेनर आप निकालेंगे उन तीनों के अंदर। याद रखिए, गर्मियों में क्रीम को फ्रिज में रखा करें, क्योंकि ये क्रीम ऑयल अलग कर देती है, इसी वजह से इसको आप फ्रिज में रखा करें। लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, रात में सोने से पहले फेस को धो लीजिए, धोने के बाद आपने उसे ड्राई करना है, और जब आप सोने लगे उसे 15 मिनट पहले आपने फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है डॉट डॉट करके, और उसके बाद हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, मसाज नहीं करनी है, क्योंकि मसाज नहीं करते इससे आपको रैशेस भी बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, जस्ट ये नाइट क्रीम है, इसमें कोई भी SPF वगैरह मौजूद नहीं है, आप इसे सिर्फ नाइट में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको यूज नहीं कर सकते दिन में, और सूरज की रोशनी में बिल्कुल भी ना निकला करें ये क्रीम लगाकर। और याद रखिए कि इस क्रीम को यूज करने के लिए आपको सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सनस्क्रीन जरूर यूज कीजिएगा, जब भी आप बाहर निकले तो सनस्क्रीन यूज कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। यूट्यूब पे आपने आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, तो प्लीज बहुत सारे लाइक करने हैं आपने, कम अज कम आपने 10,000 लाइक्स इस पे जरूर देने हैं, और वीडियो को शेयर भी करना है, जितना हो सके उतना शेयर करें उन लड़कियों को जो आपकी नजर में बहुत ज्यादा डल या ब्लैक है, आपकी दोस्तें हैं या आपकी कोई रिलेटिव्स में हैं, तो उनकी हेल्प हो सकती है। अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।